नमस्कार मेरे योगी भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी मैं खड़ा हूँ, ये जो भोगी लोग हैं उनका रिजॉर्ट है। ये एक तो योगी होते हैं, एक भोगी होते हैं। जो भोगी लोग हैं उन्हें यहाँ ना बड़ा अच्छा लगता है। एक कहावत है, या तो डेली 1 घंटा योग करो, 365 दिन में 365 घंटे, अब नहीं तो 365 दिन को उसके दिन बनेंगे, 365 के 10 दिन, 10-12 दिन यहाँ लौट मार लो रिजॉर्ट में, मर्जी आपकी है। देखिए जी, ये सब पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कि भोगी आएंगे, पैसे दे के जाएंगे। और आजकल भोगियों में एक बड़ा अच्छा रिवाज चला है, भोगी लेते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी। वो कहते हैं देखो जी, हम आलसी हैं, हम निठल्ले हैं, ये देखिए दवाइयाँ ले लेके जा रहे हैं। कुछ विदेशी भी बीमार हो गए, देखो हाथ में पर्चे पकड़े हुए हैं बड़े बड़े। लोग कहते हैं हमारे पास पॉलिसी है जी। कितनी पॉलिसी है? कि हमारे पास 30 लाख की पॉलिसी, हमारे पास 40 लाख की पॉलिसी। तो हम आराम नहीं करेंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम लेटेंगे। तो ये सारे पलक पावड़े बिछाए, और ये तो उनकी बड़ी पसंदीदा गाड़ी होती है। जो भोगी होते हैं ना, जो मालताल खाते हैं, तो उन्हें इस गाड़ी में बड़ा मज़ा आता है घूमने में। ये जब आती है तो मोहल्ले में इज्जत बढ़ जाती है, पी पी टी टी करती आती है, पूरा मोहल्ला बाहर आ जाता है कि हाय हाय हाय, अच्छा जी रवि कुमार को लेने आए हैं। तो ये मर्जी आपकी है, या तो भोग करो या योग करो। देखो जी कितनी समस्याएं हैं जीवन में, अगर आप ठीक नहीं चलोगे तो ऐसे ही आना पड़ेगा। अभी देखो एक पेशेंट को लाए हैं जी गाड़ी में, कितने परेशान हैं। तो मेरे दोस्तों योग कर लो, योग में ही फ़ायदा है। नहीं तो 1 घंटा कर लो, आधा घंटा कर लो। अगर 1 घंटा करोगे 365 दिन, आधा घंटा करोगे तो 150 दिन, 150 घंटे, 150 घंटे को दिनों में बदलो तो 10-12 दिन, नहीं तो 10-12 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि भैया ये मशीनों में से ना निकलना पड़े। ये देखिए ना, ये कौन सी मशीनें हैं, ये कुछ लोगों का ना तो योग करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो फिर दिमाग सटक जाता है। तो इस ऐसी मशीनों में डाल के उसका दिमाग ठीक होता है। कैसे दिमाग ठीक होता है? इसमें पूरा बंदा डालते हैं, फिर रिपोर्ट निकल के आती है कि इस बंदे का देखो ना दिमाग में वो डालते हैं, लेंथ डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालता है, हेड रेडियो जोली। ये देखो जी, और जो बंदे अध्यात्म नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, भगवान को नहीं मारते, तो दिमाग सटक जाते हैं उनके। देख रहे हो आप दिमाग सटकते हैं कैसे? तो फिर इन इनकी ज़रूरत पड़ती है उनको। किन किन की ज़रूरत पड़ती है? नैरो न्यूरो, ब्रेन का ट्यूमर बन जाता है, पता नहीं क्या क्या। देखो जी मुझे तो नाम ही नहीं पढ़ने आ रहे, बड़े खतरनाक बीमारियाँ। ये देखो दिमाग दिखा रहा है, दिमाग फट जाता है। अगर नीले आसमान में घूमना है, कहते पंछी की तरह उड़ना है, थोड़ा थोड़ा काम कर लो, ज़्यादा नहीं। 1 घंटा योग करो, नेचुरोपैथी करो, और आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है। मतलब कुल मिला के दिमाग में ये एक्टिव रखना है कि मुझे इस गाड़ी में नहीं बैठना है, मुझे इससे नफरत है, मुझे पूरे जीवन में इसमें बैठना नहीं है, मुझे उल्टे काम करने नहीं, मुझे कार भी आराम से चलानी है। जब आपका दिमाग सही है, मुझे किसी से लड़ना भी नहीं है। कोई मुझे गाली दे दे, दे ले भैया दे ले, कोई मेरे एक चपाटा और मार ले, ज़्यादा नहीं, तीसरा नहीं खाना, तीसरे में तो थोड़ा सा गुस्सा करना है। तो ये देख लो जी, ये पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। तो मन आपका है जी, मन आपका है। ये देखिए 1 2 3, कितने शेर दिल आदमी है कि हम आलसी रहेंगे, हम नहीं हिलेंगे, हमें ये गाड़ियाँ पसंद हैं। वो कह रहे हैं हमें ये गाड़ियाँ पसंद हैं और हम नहीं सुधरेंगे, हम इसी में रहेंगे। आप देखिए, आप आसपास देखना कि दवाइयों की दुकानें भी बहुत बढ़ गई हैं, हॉस्पिटल भी बहुत बढ़ गए हैं। अभी मैं आपको मार्केट में लेके जाऊँ तो 2 ही दुकानें मिलेंगी दवाइयों की। चलिए आपको मार्केट का भी व्यू करवा दूँ कि मेरी बात सच है या झूठ है, कि समाज में कौन पलक पावड़े बिछाए बैठा है। शराब सिगरेट गुटखा जर्दा, अच्छी चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी। जो दुकान पहली होगी वो 2 नंबर वाली दुकान होगी नशे पत्ते की। अच्छी दुकान तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, तभी आपकी गति होगी। मतलब कि आप देखिए अपने जीवन में जो आपके बुरे दोस्त हैं वो आपको घेरे रखते हैं, वो आपको फ़ोन करेंगे, और जो आपसे अच्छा है तगड़ा है वो आपको फ़ोन नहीं करेगा। वो आपसे तगड़ा दोस्त आपको फ़ोन नहीं करेगा, उसे आपको फ़ोन करना पड़ेगा, उसे आपको फ़ोन करना पड़ेगा कि हे भाई मेरी मदद कर दे यार। ये देखिए पहली दुकान देखो जी, सिगरेट गुटखा, जो आपके फेफड़ों को बिल्कुल फ्रेश कर देता है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कर देता है फेफड़ों को बिल्कुल, ठीक है ना जी। ये रोज़ पियो,
इसका सेवन रोज करो, फेफड़े बड़े अच्छे हो जाते हैं, शानदार जानदार। देखिए लिखा हुआ है कि छोटे बच्चे को माल नहीं मिलेगा, बड़े को मिलेगा। भाई साहब किसी को कार्ड तो नहीं देते, लोग खुद ही आते हैं आपके पास प्यार से, आपके पास पान खाने के लिए खुद ही आते हैं। देखिए जी भाई साहब खुद कह रहे हैं मैं किसी को कार्ड नहीं देता, मेरे पास लोग खुद आते हैं। चलिए जी अब हमने एक दुकान देख ली, दूसरी दुकान देख लो कि आपके पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रही है। ये देखिए जी ये दूसरी दुकान है, आपको योगा नेचुरोपैथी आयुर्वेद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है लेटना है और घर में समोसे जलेबी दबा दबा के खानी है। फिर आपकी जी अगली दुकान आ गई जी, ये भी आपका स्वागत कर रही है, पलक पावड़े बिछाए मित्तल जी हमारे बैठे हैं सामने। फिर अगली ले लो, अगली भी माशाल्लाह। तो बाजार में आपको ऐसी ही शॉप्स मिलेंगी जो आपका पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रही होंगी, ठीक है ना जी। आपको अच्छी चीज़ तो ढूंढनी पड़ेगी। तीसरी दुकान देख लो, अगर मेरी बात गलत हो तो प्रूफ कर दो जी कि अगर आपको ठीक रहना है तो आपको योग नेचुरोपैथी का कर्म योग करना ही पड़ेगा, कोई इसके बिना रास्ता नहीं है। अगर आप सोचो मैं बच जाऊं, बचने के सारे दरवाजे बंद हैं। उठो योग करो, नेचुरोपैथी बनाओ, आयुर्वेद का सहारा लो, नहीं तो कोरोना आंटी तो घूम ही रही है, बाकी खतरा भी बहुत है। तो मेरे दोस्त ऐसे ही प्यार बनाए रखो, अगर मेरी बात गलत लगे हो तो प्रूफ करो, ये सारी दुकानें आपके लिए सजी हुई हैं, आइए खूब लेटिए। और दूसरा सामान भी है देखिए, ये सारा आपके लिए वेलकम कर रहा है, ये सारा सामान आपकी सेहत को मुखिया कह लो सेटिंग है। किनकी सेटिंग है? इनकी और इनकी सेटिंग है कि तुम खिलाओ हमारे पास लाओ, ठीक है ना जी। मर्जी आपकी है कि आपको ये चाप शाप खानी है, आपको क्या खाना है मर्जी आपकी है। मैं तो कहता हूँ खूब यही खाओ और कुछ मत खाओ, यही खाओ दबा के खाओ, ठीक है जी। ये नीम ऐसे मत खाना, ये खून साफ करता है। चलिए मित्रों प्यार बनाए रखें, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।